ये क्वेश्चन एक मॉडरेट टू इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है सही अप्रोच मालूम हो तो मॉडरेट है अदरवाइज ये इंटेंस है एम एंड एन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे सामने दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन गिवन है इनके रियल रूट्स हैं एम और एम के जो सम है उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें मालूम करनी है अगर हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो तो रियल रूट्स की कंडीशन होती है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो अगर इस कंडीशन को हम इसी क्वेश्चन में लगाएं, ए की वैल्यू वन है बी की वैल्यू एम है और सी की वैल्यू टू एन है तो बी स्क्वायर हो गया है एम स्क्वायर माइनस फोर ए वन है और सी टू एन है तो हम यहां पर टू एन लिख देते हैं दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो दैट मीन्स एम स्क्वायर की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एट एन ओके अगर यही कंडीशन हम यहाँ अप्लाई करें तो बी स्क्वायर हो गया है टू एन का होल स्क्वायर यानी फोर एन स्क्वायर माइनस फोर इन टू वन टू एम दैट इज फोर एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फोर कॉमन ले कर हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव नंबर से इनक्वलिटी में दोनों त्राइफ अगर हम डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनक्वलिटी चेंज नहीं होता है अब यहाँ के आगे अप्रोच ये कहती है कि आप चाहें तो ऑप्शन के थ्रू चलें वैल्यूज देखिए काफी लो है या आप हिट एंड ट्रायल में वैल्यू पुट करें एम और एन पॉजिटिव इंटीजर है अगर मैं एन की सबसे छोटी वैल्यू लेटे से वन भी पुट करता हूँ तो ये एट हो गया एम स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एट यानी एम की मिनिमम वैल्यू शुड बी थ्री सो तो इट कैन बी थ्री फोर फाइव सिक्स कुछ भी हो सकती है ना अब ये वैल्यूज यहाँ पुट करके देखें एन स्क्वायर है वन अब अगर मैं एम की वैल्यू थ्री फोर फाइव सिक्स कुछ भी पुट करता हूं ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो नहीं होगा दैट मीन्स हम एन की वैल्यू वन नहीं पुट कर सकते अगर मैं एन की वैल्यू टू पुट कर दूं तो एट इंटू टू ये हो गया है सिक्सटीन एम स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम एक पॉजिटिव इंटीजर है तो एम की मिनिमम वैल्यू होगी फोर इट कैन बी फाइव इट कैन बी सिक्स सेवन एंड सोन यहां पर हमने एन की वैल्यू टू पुट की और जैसे ही हमने यहां पर वैल्यू यह पुट की टू का स्क्वायर इज फोर एम की वैल्यू फोर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो ट्रू है क्योंकि जीरो जीरो के इक्वल है तो क्योंकि हमें लोएस्ट वैल्यू ढूंढनी है एन की वैल्यू हम टू ले सकते हैं एंड एम की वैल्यू हम फोर ले सकते हैं और इन दोनों का सम अगर हम करेंगे तो मिनिमम वैल्यू सिक्स हो जाएगी अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप सिस्टमेटिकली अगर सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा आपको इन की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो मालूम होनी चाहिए थी यहां पर एम स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम एन और एम दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो अब अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करना चाहें तो इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों ही तरफ हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एन रेस टू दावर फोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम स्क्वायर अब जरा एम स्क्वायर पर नजर डालते हैं एम स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू एट एन है और एम स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू एन रेस टू दावर फोर है That means, अगर हम इन दोनों को comparison करें, तो वॉट वी कैन से एन रेस टू दावर फोर इज सटनली ग्रेटर इक्वल टू एट एन अगेन हम यहाँ एन कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि एन एक पॉजिटिव इंटीजर है तो पॉजिटिव इंटीजर से जब हम दोनों तरफ डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं इन इक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है एन क्यूब इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एट एन पॉजिटिव इंटीजर है तो एन

और दोनों का सम सिक्स तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो सम होगा वो होगा सिक्स इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आप ये लॉजिक नहीं जानते हैं तो सबसे अच्छा तरीका होगा आप वैल्यू सब्सिट्यूट करके और आंसर निकाल